ये गंभीर सरकार ही नहीं, इस सरकार में गंभीरता की का घोर अभाव है। जो आदमी बैठे बैठे क्लीन चिट देते, सड़कों पर बच्चे आए, उनका आक्रोश आया, उसके बाद कहानियां गढ़ने लगे कि थोड़ी भी संगति हम देखेंगे। अब क्यों कर रहे हैं आप? किसी को सस्पेंड कर रहे हैं, किसी को हटा रहे हैं, नए लोगों को चार्ज दे रहे हैं, पीजी नेट की परीक्षा पोस्टपोन कर दी आपने, कई बार हुई है फिर कर दी, सीएसआईआर की परीक्षा रद्द हो गई, यूजीसी नेट रद्द हुआ। ये एनटीए में फ्रॉड है, मैं बार बार कह रहा हूं, इस फ्रॉड को फेंकने की जरूरत है, डिसमेंटल करने की जरूरत है। हमारे बिहार में अद्भुत कहानियां चलाई जा रही, बिहार के लोगों की कहानियों पर भरोसा कीजिएगा, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अंट शंट एक आधारहीन ढकोसलेबाजी हो रही है, लेकिन नुकसान किसका आप कर रहे हैं? आप बेईमानी कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। और सुन लीजिए, सरकार आपने बना ली है लेकिन सड़क के आक्रोश को नहीं संभाल पाइएगा। बहुत आक्रोश है युवाओं में, हमारे बच्चों में, उस आक्रोश को आप झेल नहीं पाइएगा। तुरंत रद्द करनी चाहिए और एनटीए नाम की संस्था को खत्म करो, डिसमेंटल करो, बंगाल की खाड़ी में फेंको। तो एनटीए के क्यों हटाया? पता चला हमें एफिशिएंसी का सर्टिफिकेट बांटा जा रहा था, फिर हटाया क्यों? मैंने कहा ना कि जितना पर्दा डाल रहे हैं उतने नंगे हो रहे हैं ये। इससे पहले कि पूरी नग्नता सामने आए, क्रूर यथार्थ सामने आए, परीक्षा रद्द करिए। और मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, एनटीए को डिसमेंटल करिए। सुबोध कुमार को हाई लेवल कमेटी बनाई गई है जो अनियमितताओं की जांच करे, पारदर्शिता लाए, तो फिर आखिरकार नहीं नहीं, मैं संतुष्ट हूं या नहीं छोड़ दीजिए, बच्चे संतुष्ट हैं, लाखों बच्चे, हमारी संतुष्टि क्या है साहब? मैं परीक्षार्थी नहीं था, लेकिन हम लोग उनकी पीड़ा देख रहे हैं, जो सड़कों पर इस गर्मी में बैठे हुए हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं? आपने उनकी परीक्षा रिग करवा दी, यू हैव रिग्ड द एग्जामिनेशन, द लीस्ट यू कुड डू इज टू कैंसल द एग्जामिनेशन, द लीस्ट यू कुड डू इज टू एक्नॉलेज यू हैव फेल्ड, द लीस्ट यू कुड डू सीक रेजिग्नेशन ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर, द लीस्ट यू कुड डू डिसमेंटल एनटीए। बिल्कुल, देखिए दिक्कत क्या है ना, धर्मेंद्र जी ने बैठे बैठे क्लीन चिट दिया, इतनी तो गंभीरता होनी चाहिए थी, हम पूरी चीजों को समझें, देखें कहां नियमितता हुई है, साफ साफ आ रहा है कोई संजीव मुखिया है, कोई अमित आनंद है, बुकलेट नंबर तक है 6148863 कुछ बुकलेट नंबर तक है, सब पता चला, हजारीबाग में ये हुआ, फलाना वो चिलाना वो आदमी था, फिर भी आप बैठकर क्लीन चिट देते रहे। इस्तीफे से कम ये तो आएगा कि कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी है, ये पूरी की पूरी सरकार अकाउंटेबिलिटी से भागती है। लेकिन पीछे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं छात्रों से संवाद करते दिखे हैं, कई बार चीजें सामने आ रही है, दोनों विपक्ष नहीं, मैं कतई नहीं मानता, प्रधानमंत्री जी का वो रेटोरिकल स्टेटमेंट है कि खबर बननी चाहिए तो परीक्षा पे चर्चा, जैसे चाय पे चर्चा वगैरह वगैरह, लेकिन ईमानदारी की बात है, एक हमारे दोहा था ना, जाके पांव न फाटे बिवाई से क्या जाने पीर पढ़ाई, प्रधानमंत्री जी को परीक्षा और परीक्षार्थियों क्योंकि क्या पीड़ा होती है, उनके दिमाग में कितनी अनिश्चितताएं होती हैं, उसकी कोई जानकारी नहीं है, कैमरे के लिए, फोटो के लिए, हेडलाइन के लिए, ये सब ठीक है। तो पूर्व इसरो प्रमुख की जो धांधली की बातें हैं वो नहीं नहीं वो सामने आएगी, लेकिन आप इतनी जब इतने सबूत आ चुके हैं, आप रद्द क्यों नहीं कर रहे हो परीक्षा? बच्चों को एक तो लगेगा हमारी बात सुनी गई, आप खेल रहे हैं, और मैं कह रहा हूं कि संसद मैनेज कर लीजिएगा, सड़क मैनेज नहीं होती है। तो ये संसद का सत्र जो शुरू हो रहा है, क्या उसमें क्या अगर संसद में अगर विपक्ष के लोग नीट का मामला ना उठाएं तो क्या करें? अब पूछिए बीजेपी वालों से, उनके ऊपर कितना दबाव है उनके क्षेत्रों से, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना नीट के परीक्षार्थी हमारे सपोर्टर हैं, हमको वोट दिया था, वो सारे के सारे बच्चे, उनके सपने तहस नहस। अगर संसद इन मामलों को नहीं देखेगी तो क्या करेगी, झाल बजाएगी वहां। दूसरा, जो शरद पवार साहब ने कहा है कि लेकिन परंपरा के तहत पिछले दो टर्म में भी विपक्ष को डिप्टी स्पीकर नहीं दिया गया, और मैं उम्मीद भी नहीं करता हूं कि इस बार भी सरकार ऐसा करेगी। मैं देखिए परंपराओं की दुहाई, शरद पवार साहब बहुत अनुभवी आदमी, किससे परंपरा की दुहाई देते हैं? ये लोग सिर्फ संसद की दहलीज चूम सकते हैं, इनका वश चले तो संसद को गिरा पड़ा के रखते हैं।
संसदीय लोकतंत्र को खत्म करते हैं, 150 MP एक साथ सस्पेंड करते हैं और भारतीय न्याय संहिता दंड संहिता पास करते हैं। उस कानून की कोई लेजिटिमेसी नहीं है साहब, जिसमें विपक्ष का पार्टिसिपेशन नहीं हुआ। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, संसदीय लोकतंत्र की अवधारणा को बीते 10 वर्षों में जितना नुकसान पहुंचाया गया उतना कभी पहले नहीं। बिहार की पुरानी बीच आंध्र प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर ने निर्मला सीतारमण के सामने अमरावती जिसे राजधानी बनाना है उसके लिए 15,000 करोड़ रुपए के पैकेज। देखिए, जाहिर है कि वो सपोर्टिंग पार्टी है, उनको अपना, लेकिन बिहार को न सिर्फ विशेष राज्य बल्कि विशेष पैकेज की जरूरत है। पूरे देश के लोगों से पूछेगा तो आप कहेंगे कि बिहार की जो मौजूदा सूरत हाल है हमारी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, हमें एक प्रायोरिटी पे सपोर्ट चाहिए विशेष राज्य के अलावा, ताकि हम एक लेबर सप्लाइंग स्टेट का जो चश्मा है हम पर उसको हम दरकिनार कर पाए। और प्रधानमंत्री जी, सीट तो फिर भी आपको मिली है, 30 सीट मिली है, तो बिहार को वोटिंग स्टेट सिर्फ ना रहने दीजिए,